हाय स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इसमें मैंने आपको तीन सेक्शन अपनी बाकी रह गई थी। लास्ट टॉपिक था आपका रोल ऑफ कैग या ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, रोल ऑफ केक या फिर आप कह सकते हो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी कंपनी के मामले में अंकेक्षक का कर्तव्य या केक की भूमिका हमें पढ़नी है। सेक्शन 143 की सब सेक्शन 5, 6 और 7, ये तीन सेक्शंस अपनी पेंडिंग रह गई थी। ये और कंप्लीट करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, एक तो है आपकी सेक्शन 143 की सब सेक्शन 5, जिसमें अंकेक्षक का कर्तव्य है और केक की भूमिका है। एक आपका 143 की सब सेक्शन 6 और एक आपका 143 की सब सेक्शन 7। इनको स्टार्ट करते हैं अपन। समझना बच्चों, बहुत बेसिक सा और बहुत आसान से क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे बताओ, सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सबके क्लियर है? सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? के करता है। चलो अब मैं और पूछ रहा हूं, ये बच्ची बताएगी। सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? केक। और आगामी अंकेक्षक की? केक। तो सरकारी कंपनी में नियुक्ति कौन करता है? केक करता है। यहां तक क्लियर है? आप बताना, सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति के प्रावधान कौन सी धारा में है? 139 की उपधारा 7 में। और आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति के प्रावधान कौन सी धारा में? 139 की उपधारा 5। केग को नियुक्ति करने का जो ये अधिकार मिला, जो ये पावर मिला, वो कहां से मिला? केग सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे कर सकता है? उसको ये पावर कहां से मिला? उसको पावर मिला धारा 143 की उपधारा 5 से। समझ में आ गया? तो धारा 143 की उपधारा 5 में लिखा हुआ है कि केग अंकेक्षक की नियुक्ति, केग अंकेक्षक की नियुक्ति धारा 139 की उपधारा 7 और 5 के तहत करने का अधिकार रखता है। और उसको यह अधिकार कौन सी धारा में मिला है? 139 की उपधारा 5 में। एक बात समझ में आ गई? क्लियर है सबके? चलिए दूसरी बात, आप बताओ, फिल्में देखते हैं आप? देखते हो बेटा? एक हीरो है अजय देवगन, नाम सुना है? किस टाइप का हीरो है वो? तो हीरो की भी अपनी अपनी पर्सनालिटी है। कोई कॉमेडियन होता है, कोई एक्शन हीरो होता है, है? कोई हीरो ऐसा भी होता है उसको खुद को ही नहीं मालूम कि वो कैसा है, जैसे तुषार कपूर, तो मालूम ही नहीं चलता उसको कि मैं हूं कैसा। आपके क्या विचार हैं अजय देवगन के बारे में? नहीं, अच्छा तो है, अच्छा तो है, आपसे ज्यादा अच्छा काजोल को लगा। लेकिन ये बताओ, कैसा हीरो है वो? एक्शन हीरो है या कॉमेडियन है? जब आप सिंघम की बात करते हो तो एक्शन है, जब गोलमाल रिटर्न की बात करते हो तो कॉमेडियन है, और जब दिलवाले की बात करें तो आशिक है। एक बात देखिए, उसको नाचना तो नहीं आता, नहीं आता ना डांस करना। अब जैसे ऋतिक रोशन डांस कर लेता है,
वो एक जेके का बेटा है ना, क्या नाम है उसका, टाइगर, टाइगर भी डांस कर लेता है। एक फिल्म आई थी एजे, एक्शन जैक्सन, देखिए आपने, उसमें गाना आया था संडे हो या मंडे आना मेरी गली, ठीक है, उसमें डांस किया उसने, तो उसके डांस को देख देख के हंसी आने लग जाती है, नाचना आता ही नहीं बेचारे को। अरे भाई जो काम आता ही नहीं वो काम करा क्यों, बताओ क्यों किया? ये हीरो लोग वो काम क्यों करते हैं जो इसको आता ही नहीं? देखो साहब, हीरो कुछ नहीं करता, हीरो वो करता है जो उसको करने के लिए डायरेक्टर कहता है, समझ में आ रहा है? तो एक फिल्म है जिसका नाम है सरकारी कंपनी, और उसके हीरो हैं हम। अब बताओ हम एक्टिंग कैसे करें? जैसे हमें डायरेक्टर कहेगा, और सरकारी कंपनी के डायरेक्टर एक तरह से कौन, केक, तो क्या केक के पास ये पावर है क्या कि वो ऑडिटर को डायरेक्शन दे कि आपको इस तरीके से ऑडिट करनी है? क्या ये हमें अंकेक्षण करने का तरीका निर्देशित कर सकता है या नहीं कर सकता? केक को ये पावर भी कहां से मिला है? 143 की सबसेक्शन 5 से, कि वह अंकेक्षक को, अंकेक्षक को अंकेक्षण का तरीका, अंकेक्षण का तरीका निर्देशित कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। समझ में आ रहा है कि सब जो मैनर है ऑडिट का, उसका वो डायरेक्शन दे सकता है कि आपको इस तरीके से ऑडिट करनी है। दो बातें समझ में आ गई क्या सबके? क्लियर है? तीसरी बात बताओ, ऑडिट कौन कर रहा है? सीए कर रहा है। वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? केक को देगा कि एजीएम में देगा? एजीएम में तो मेंबर्स होते हैं। और जब मैं आपसे पूछता हूं कि सरकारी कंपनी का अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है, तो आंसर क्या होगा? केक। हम तो एजीएम में नहीं जाते, नॉर्मल कंपनी में ऑडिट रिपोर्ट कहां सबमिट होती है? एजीएम में। पर सरकारी में किसको दे रहे हम? केक को। तो केग हमें यह आदेश दे सकता है कि इस रिपोर्ट की एक कॉपी लेकर कहां पहुंचे? एजीएम में। तो वो हमें डायरेक्शन दे सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट कहां प्रस्तुत की जाए? एजीएम में। कौन देगा हमको ये डायरेक्शन? और उसको ये पावर कहां से मिला? 143 के सबसेक्शन 5 से। तो तीसरी बात क्या आ गई इसमें कि केग ऑडिट रिपोर्ट की प्रति एजीएम में प्रस्तुत करने के लिए अंकेक्षक को आदेश दे सकता है, अंकेक्षक को आदेश दे सकता है। अब साहब केक का आदेश हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमने इस टॉपिक की हेडिंग क्या लिख दी? केक की भूमिका, या फिर सीए का यानी कि अंकेक्षक का कर्तव्य। बिल्कुल अधिकार है, अधिकार है, बिल्कुल है। चाहे सरकारी कंपनी का ऑडिटर हो, चाहे कोई भी हो, उसके पास में एजीएम का क्या आएगा? नोटिस आएगा कि भाई आपको आना है, समझ में आ रहा है? लेकिन उसको आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप रिपोर्ट भी क्या करें? एजीएम में सबमिट करें। सरकारी कंपनी के मामले में हम रिपोर्ट किसको देते हैं? केक को देते हैं। फिर केक आगे डिस्कस करता है, क्योंकि इसके सदस्य कौन होते हैं? मोस्टली सरकार होती है, जनता तो है नहीं। तो इन्होंने इस तरीके के प्रोविजन बना दिए। बोलो समझ में आ गया? धारा 143 की उपधारा 5 क्या हो गई? कंप्लीट। गवर्नमेंट कंपनी में अपना, हाँ नहीं, वो नियम सारे वही हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑडिटर खुद ही जाए, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी अटेंड हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए जो ऑडिट के रूप में काम करने के लायक हो, आप उसको भेज सकते हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा कि व्यक्तिगत तौर पे ही उपस्थित हो,
यहां तक समझ में आ गया? धारा 143 की उपधारा 5 कंप्लीट मानू। धारा 143 की उपधारा 6 को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम धारा 143 की उपधारा 6 का वाक्य ए। इसको समझना बच्चों, सरकारी कंपनी की जो ऑडिट होती है वो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, ये नॉर्मल ऑडिट जैसा नहीं होता है मामला। आप बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट करी और ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करी? चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट करके रिपोर्ट किसको सबमिट करी? केक को। भाई हमने ऑडिट करी और हमने हमारी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट कर दी? केक को सबमिट कर दी। अब केक ने रिपोर्ट को देखा और देख के कहता यार मजा नहीं आया, मुझे जो सूचना चाहिए थी वो मिली नहीं। सीए साहब तो कह रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर, कि सब कुछ क्या है, सत्यम उचित है। केक कहता है कि मैं तो अपने पूत को जानता हूं, ये सही कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। पर सीए साहब ने तो कुछ बताया नहीं, उसको संतुष्टि नहीं है। ऑडिट करवा ली पर ऑडिट से संतुष्टि नहीं है, ऐसा होता है क्या बताओ? ऐसा होता है, नहीं होता? अभी 3-4 दिन पहले की बात बताता हूं, मैं और मेरी वाइफ एक प्रोग्राम में जा रहे थे। इतना सारा मेकअप लीप लिया, मैं खुद ही नहीं पहचान पाया कि मेरी बीबी है क्या, है ना। और तैयार होने के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूं। मैं कहा ठीक है, और क्या कॉम्प्लीमेंट है। अब नई नई शादी होती है तो तारीफों के पुल बांधते हैं, 16 साल के बाद तारीफ करते हैं तो भी डाउट का सब्जेक्ट हो जाता है कि चक्कर क्या है, आज ये आदमी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। उसको मेरी तारीफ से सेटिस्फेक्शन ही नहीं आया, तो मेरी दीदी को वीडियो कॉल मिलाया उसने, उनके ससुराल। बोले दीदी मैं कैसी लग रही हूँ? तो मेरी दीदी ने कहा बहुत बढ़िया लग रही हो भाभी, तब जाके सेटिस्फेक्शन आया। ऐसा होता है क्या? ऐसा यहाँ होता है। सरकारी कंपनी में हमने तो मेकअप कर करा के दे दिया, CND जी को सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है साहब, मैं क्या करूं, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो अपनी ऑडिट कर दी। केग को और अतिरिक्त सूचना चाहिए, क्या चाहिए? तो केग अतिरिक्त सूचना प्राप्त करना चाहता है, अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। अब क्या करेगा केग? उसी सरकारी कंपनी की दोबारा से ऑडिट करने का आदेश देगा। किस सरकारी कंपनी की दोबारा से क्या करवाई जाए? ऑडिट। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी की जो ऑडिट होती है वो टू लेयर ऑडिट होती है। टू लेयर मतलब दो परत, पहले तो सीए कर लेता है, फिर उसको चेक कौन करता है? केक करता है। केक को सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो फिर से ऑडिट करा सकता है, पर फिर से ऑडिट हो ये जरूरी नहीं है, ये तो केक के ऊपर डिपेंड है। केक को अगर हमारी रिपोर्ट से सेटिस्फेक्शन आ गया तो मैटर वहीं क्लोज। लेकिन अगर केक को लगा कि मुझे अतिरिक्त सूचना चाहिए, तो वो अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उसी कंपनी के पुनः अंकेक्षण, उसी कंपनी के पुनः अंकेक्षण, इसको मैं ओब्लिक करके एक और नाम लिख देता हूं, जब दोबारा ऑडिट होती है तो उसको क्या कहते हैं अपन? पूरक अंकेक्षण, सप्लीमेंट्री ऑडिट। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री ऑडिट, पूरक अंकेक्षण। समझ में आ रहा है? पूरक अंकेक्षण का एक और नाम है हिंदी में निपुणता में औचित्य अंकेक्षण, निपुणता में औचित्य अंकेक्षण। तो चाहे पूरक अंकेक्षण कह दो, सप्लीमेंट्री ऑडिट कह दो, या क्या कह दो? निपुणता में औचित्य अंकेक्षण। यानी कि उसी कंपनी के पुनः अंकेक्षण का क्या दे सकता है? आदेश। कौन देगा आदेश?
तो अब देखो क्वेश्चन बन गया कि पूरक अंकेक्षण का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाएगा, केक के द्वारा। क्लियर है, आदेश दिया जा सकता है, लेकिन कब, जो सीए की ऑडिट हुई है उससे पहले या उसके बाद। पहले कैसे दे दोगे आप, पहले सीए से ऑडिट तो करवाओ। ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति से, ये ध्यान रखना बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति से कितने दिनों में, 60 डेज। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पूरक अंकेक्षण का आदेश केक द्वारा कितने दिनों में दिया जा सकता है। तो जो सीएसए ऑडिट रिपोर्ट आई है उसकी प्राप्ति के 60 दिन में दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या। अगर केक को लगा कि साहब मुझे इस कंपनी की दोबारा से क्या करवानी है, जांच करवानी है, तो वो उस कंपनी की दोबारा से ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है, पर कितने दिन में। और अगर उसको 65वें दिन लगा कि यार मुझे दोबारा ऑडिट करवानी है, तो ये पावर नहीं है। तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कितने दिन में हो सकती है, ये समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। अब मैं आपसे जो पूछूं बताना, क्या मैं ये कह दूं कि अतः सरकारी अंकेक्षण जो होता है, सरकारी अंकेक्षण ये 2-लेयर ऑडिट है, 2-लेयर यानी कि 2 परत, 2-लेयर अंकेक्षण है। बताओ 2-लेयर क्यों है, क्योंकि एक बार तो सीए ने ऑडिट कर दी और फिर केक भी उसकी जांच पड़ताल करेगा, और उसको जरूरत पड़ी तो फिर से क्या करवा सकता है, ऑडिट करवा सकता है। अब कुछ पॉइंट्स में पूछता जाता हूं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन ये सारे पॉइंट्स, पूरक अंकेक्षण के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। आंसर आपको देने में तो दूंगा ही नहीं, मैंने तो समझा दिया जितना समझाना था, अब पॉइंट में बनवाऊंगा, आंसर आप देते जाओ। सबसे पहले बताओ पूरक अंकेक्षण अनिवार्य है क्या, अनिवार्यता है क्या इसकी। तो साहब ये किसके ऊपर निर्भर है, केक की इच्छा पर निर्भर। एक बात समझ गए क्या, ये कोई मैंडेटरी थोड़ी है, केक को लगा तो दोबारा से आदेश दे सकता है, उसको लगा जरूरत नहीं है तो नहीं देगा। एक बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, पूरक अंकेक्षक की योग्यता बताओ, अगर आप दोबारा से ऑडिट करवा रहे हो तो ऑडिट कौन करेगा, नहीं यहां जरूरत नहीं है, पूरक अंकेक्षक की कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, केक जिसको नियुक्त करना चाहे कर देगा, कोई योग्यता निर्धारित नहीं। आप कहें क्यों सर सीए को करना चाहिए ना, तो सीए ने तो कर दिया ना ऑडिट, एज पर कंपनी एक्ट जो ऑडिट कर सकते हैं, संवैधानिक जो ऑडिट होती है वो तो कर दी। पूरक अंकेक्षण संवैधानिक अंकेक्षण नहीं है, ये तो किसकी इच्छा पर निर्भर है, केक की इच्छा के ऊपर निर्भर है, इसलिए इसकी कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। 99.99% हम लोग तो अपॉइंट ही नहीं होते, क्योंकि तो फिर उनका डिपार्टमेंट ही करता है। बोलो समझ में आ रहा है। बताओ इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, केक करेगा। समझ में आ रहा है। नियुक्ति का समय बताओ, कितने दिन में नियुक्ति कर दे, ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति से, ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति से 60 दिन में। ये भी समझ में आ रहा है, ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति से 60 दिन में साहब आपको नियुक्ति करनी है, कोई योग्यता निर्धारित है नहीं। पारिश्रमिक पैसा लेगा या नहीं लेगा, साहब जो भी काम करेगा पैसा तो लेगा, पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा, पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा और उसका भुगतान कौन करेगा, निर्धारण कौन करेगा और भुगतान कौन करेगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, निर्धारण जो करेगा वो कौन करेगा, केग, लेकिन भुगतान जो किया जाएगा
वो कौन करेगा? कंपनी। भुगतान कौन करेगी? कंपनी। निर्धारण कौन करेगा? कैग। यहां तक की बातें समझ में आ रही है क्या? सबके क्लियर है? और एक आखिरी बात बताओ, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? रिपोर्ट किसको देगा? ये केग को रिपोर्ट देगा। समझ में आ गया? तो ये धारा 143 की उपधारा 6 का वाक्य ए भी क्या हो गया? कंप्लीट। क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं, ऐसा ऐसा मैंने नहीं कहा कि कमी निकाली, दोनों ही वैलिड है। सीए की रिपोर्ट कंपनी एक्ट के तहत वैलिड है, ये तो एडिशनल वर्क है। नहीं समझे क्या? अभी आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, आपको जो काम दिया गया वो दे दिया। सरकारी नौकरी में मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, याद रखना, सुखी रहोगे क्योंकि इतना अनुभव हो गया अब हमको। एक मंत्र दे रहा हूं आपको, याद रखना, अगर सुखी रहना है तो काम करो या ना करो, काम का जिक्र जरूर करना। काम मत करना भले, पर जिक्र करते रहना कि ये काम है, वो काम है, ये काम है। जिक्र करो या ना करो, फिक्र जरूर करना अधिकारी के सामने। अरे सर मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है, कैसे फाइलें निपटेंगी, लास्ट डेट आ गई। काम मत करना, काम करो या ना करो जिक्र जरूर करना, जिक्र करो या ना करो फिक्र जरूर करना। और काम में रहना गुल और तनखा पाना फुल, तब तो रहोगे सुखी। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक स्टूडेंट है, उद्योग वन में लगा हुआ है और अभी जूनियर अकाउंटेंट का, उसने मेरे ऑनलाइन ऐप भी ले रखा है या ऑफलाइन भी आया था पढ़ने के लिए, मेरी फाइलें भी उसके पास ही जाती है सब्सिडी की। तो सीधा लड़का, एकदम मेहनती है, नया जोश है, नया खून है, तो यानी टाइम बिजी रहता है। मैं जब जाता हूँ वहाँ विभाग में कई बार, तो वो काम में लगा रहता है। मैंने कहा इस पूरे विभाग में तो अकेला ही है क्या काम करने वाला, बाकी तो सीट भी नहीं मिलती और वो काम में लगा रहता है। बोले सर यहाँ उल्टा सिस्टम है, जो काम करता है ना उसको 4 गुना काम दे देते हैं। मतलब आपका जो अधिकारी है ना वो तो काम देगा ही, इधर उधर के अधिकारी भी आपको ही पकड़ लेंगे। कह रहे यार तू काम करता है, लोग मालूम क्या कर रहे हैं, काम करने वाले को डेपुटेशन पे इधर उधर और भेजते रहते हैं। यार तू उस विभाग में चल जा, तेरी जरूरत है। सिर्फ तारीफ के अलावा और कुछ नहीं मिला, ना कोई बोनस मिलेगा ना कोई सैलरी। तो सरकारी विभागों में ऐसा होता है। तो मैं आपको स्टोरी क्यों सुनाई मैंने आपको, कि ये जो पूरक अंकेक्षण है ये कोई कमी अमी की बात नहीं है। केक को लगा कि मुझे इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पूरक अंकेक्षण का आदेश दे देगा, उसको लगा नहीं है तो नहीं देगा। ये तो केक की इच्छा पे निर्भर है। समझ में आ गई यहाँ तक? और किसी के कोई मन में संशय? ऑडिटर की कोई ऑडिट नहीं होगी? देखो यहाँ पे पूछो कि पूरक अंकेक्षण कर दी क्या, इसकी भी ऑडिट होगी क्या? ऑडिटर ने ऑडिट करी नहीं? ऑडिट की ऑडिट नहीं हो रही, ऑडिट की ऑडिट नहीं हो रही है। ये किसकी ऑडिट हो रही है? सरकारी कंपनी की। ठीक है, इसको एक अलग से टास्क दिया जा सकता है कि तू एक काम कर, ये चीजें और चेक कर ले एक बार। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी एक्ट की सारी कंप्लाइंस चेक करेगा। जो हम लोग काम करते हैं हमारा क्राइटेरिया अलग है, हमको काम अलग तरीके से सिखाया जाता है। हमारा ध्यान सिर्फ अधिनियम के प्रावधानों की कंप्लाइंस पर रखते हैं कि साहब इस एक्ट की पालना हुई नहीं हुई, ये कानून की पालना हुई नहीं हुई, बस। और इनको थोड़ा अलग तरीके से काम दिया जाता है। और ये केक डिसाइड करेगा कि क्या काम देना है। इसका स्कोप भी कौन डिसाइड करेगा? केक डिसाइड करेगा। बोले यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ूं तो ये धारा 143 की उपधारा 6 का वाक्य क्या हो गया? ए भी कंप्लीट। अब धारा 143 की उपधारा 6 का वाक्य बी, ये क्या कह रहा है कि साहब सीए ने या फिर सप्लीमेंट्री ऑडिटर ने, इन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बताओ किसको दी? कैग को दे दी।
केक के पास में रिपोर्ट भी आ गई। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि साहब केक के पास में रिपोर्ट आ गई, क्लियर है? केक उस रिपोर्ट के ऊपर अपनी टिप्पणी कर सकता है क्या? जो आप लोगों का क्वेश्चन था ना वो इस पॉइंट पर है कि साहब सीए ने ऑडिट कर दी, अब केक उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकता है क्या या नहीं कर सकता? बताओ, हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे कोई कमेंट कर सकता है केक? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और सप्लीमेंट्री ऑडिटर की रिपोर्ट पर, उस पर भी कर सकता है। तो ये जो धारा है ये कहती है कि केक जो है वो ऑडिट रिपोर्ट पर क्या कर सकता है, टिप्पणी कर सकता है, कमेंट कर सकता है, और टिप्पणी करके वो आदेश दे सकता है, टिप्पणी करके ये आदेश दे सकता है कि ये जो मेरे कमेंट्स हैं ये उन लोगों तक पहुंचाओ जिसे धारा 136 में सूचना प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। जिसे धारा 136 में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आप कहें सर ये कौन है, वो भी समझाते हैं। केक ऑडिट रिपोर्ट पर टिप्पणी कर सकता है, टिप्पणी कर सकता है, तथा टिप्पणी उन व्यक्तियों तक पहुंचाने का आदेश दे सकता है, उन व्यक्तियों तक पहुंचाने का आदेश दे सकता है जो धारा 136 में सूचना प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। सूचना प्राप्त करने के लिए क्या है, अधिकृत है। बोलो यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे सर धारा 136 में सूचना प्राप्त करने के लिए अधिकृत कौन है? तो देखो सभा की सूचना होगी और तो किसकी होगी, और सभा की सूचना किस किस को दी जाती है बताओ? कंपनी के सदस्यों को, और एक होता है ऋण पत्र धारी, ऋण पत्र धारी के प्रन्यासी, प्रन्यासी बोले तो ट्रस्टी, इनको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो वो ये कह सकता है कि मेरी टिप्पणी सदस्यों तक पहुंचाई जाए, मेरी टिप्पणी ऋण पत्र धारी के प्रन्यासी तक पहुंचाई जाए। समझ में आ रहा है, सबके आ रहे हैं समझ में? अच्छा, आप में से कॉमर्स के कौन कौन है? चलो इतने सारे बच्चे हैं, ये बताएंगे कॉमर्स वाले। ऋण पत्र के बारे में पढ़ा हुआ है कुछ, थोड़ा बहुत सुना हुआ है? सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डिवेंचर क्या होते हैं, ऋण पत्र क्या होते हैं? बिल्कुल सही जवाब। कंपनी जनता से पैसा मांग रही है। पैसा मांगने के दो तरीके हैं, या तो पूंजी के रूप में, तब तो क्या जारी करेगी, समतांश, इक्विटी शेयर जारी करेगी, शेयर देगी। लेकिन कंपनी कह रही भाई हम आपको मालिक नहीं बनाना चाहते, हम आपसे पूंजी नहीं लेना चाहते, क्योंकि पूंजी ले ली आपको शेयर दे दिए, शेयर जिसके पास वो कंपनी का मालिक स्वामी, हम आपको स्वामी नहीं बनाना चाहते, हम तो आपसे कर्जा ले रहे हैं, आप हमें कर्जा दे दो, हम आपको ब्याज देंगे और एक निश्चित समय के बाद आपका मूलधन भी लौटा देंगे और ब्याज देते रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है बेटा? हाँ। इसने कहा कि सर बैंक से ले लो। देखो बैंक की बहुत सारी लिमिटेशन है, आप जाओ एक बार बैंक से लोन लेने, बैंक कहेगा साहब क्या करोगे, और मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप बदले में मेरे पास क्या रखोगे, सिक्योरिटी मांगता है। तो बैंक की लिमिटेशन है, तो कंपनियां क्या करती हैं, बैंक से तो लेती लेती हैं, जनता से भी ऋण ले लेती हैं। जनता का विश्वास है तो जनता के ऊपर निर्भर है ना,
नई कंपनी जरूर बनी है पर उसके प्रमोटर कौन है। आज अगर अंबानी नई कंपनी बनाए और जनता में आवाज लगाए कि मुझे पैसे चाहिए, बताओ मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे। पर सर्जन इंस्टीट्यूट आज आवाज लगाए पैसे दो, तो बाजार में बातें क्या होंगी कि अरे ये बीबी के गुलाम लोग हैं, हमारे पैसे डुबो देंगे, जो घर में डरते फिरते हैं इनको कौन देगा पैसे। आज हम अगर आईपीओ लेके आए ना, हमको 5 रुपए नहीं मिले, क्यों? क्योंकि कितने लोग जानते हैं हमको, हमको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। देखो इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, कई यहाँ के फेमस इंस्टीट्यूशन है उनके यूट्यूब पे, इन पे सब्सक्राइबर देखते हैं मिलियंस में। तो मैंने मनीष को कहा, यार तूने मैंने तो जिंदगी पूरी कर दी, अपने तो मिलियंस में नहीं है। बोले अपना स्कोप इतना सा, अभी कॉमर्स क्या गरीब संकाय है, तो उसके अलावा मैं कुछ आता नहीं, बात समझो ना। जब जनता हमको जानती नहीं तो पैसा देगी कहां से। अभी खान सर है, अगर वो आईपीओ लेके आए तो बताओ सक्सेस होगा क्या? नहीं होगा, फ्लॉप होगा एकदम। कारण, क्योंकि खान सर को स्टूडेंट जानते, स्टूडेंट बेरोजगार, बेरोजगार है, पैसे आएगा उनके पास। पब्लिक पैसे वाली जाने ना तब मजा आए, तब मिले आपको पेमेंट। बोले यहां तक समझ में आ रहा है ना? तो ये तो पब्लिक का ट्रस्ट है। अब मेरा ये जो समझाने का टारगेट था वो ये था कि ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण की क्या है, अभिशीव करती है, और वो बदले में आपको एक कागज का टुकड़ा देती है, भाई हम आपके ऋणी है, उसको क्या कहते हैं? ऋण पत्र। अब समझ में आ रहे हैं? अरे बेटा समझ में। एक आखिरी क्वेश्चन, ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं कि असुरक्षित? देखो कई बच्चों की आवाज आई, सिकंदर ने बुलंद करी अपनी आवाज, सर सुरक्षित। कैसे बेटा? नहीं भुगतान तो करना पड़ेगा, नहीं करूं तो तू क्या कर लेगा ये बता। सुरक्षित तो तब माने ना जब तू कुछ कर सके। आप सिक्योर्ड किसको कहते हो ये बताओ? आपने कोई किसी से कर्जा ले लिया, सामने वाला सुरक्षित कब है? सिक्योरिटी, जमीन जायदाद, गोल्ड आपके पास, गिरवी रख दूं। आज मैं सिकंदर से 10 लाख रुपए लूं और सिकंदर के पास में 25 लाख रुपए के गहने रख दूं, और लिए कितने हैं? 10 लाख। अगर मैं मान लो नौटंकी करूं तो क्या होगा? अगर मैं नौटंकी करूंगा तो क्या होगा? सिकंदर मेरे से पूछेगा ही नहीं, उठा के मेरा गोल्ड बेच देगा, इसलिए सुरक्षित है। इसको टेंशन नहीं है, अब टेंशन मुझे है, टेंशन मुझे कि पैसा चुकाना है, नहीं तो मेरा गोल्ड बेच देगा ये। अब आपने कहा ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं, ऋण पत्र क्या होते हैं? इसका मतलब कंपनी की संपत्ति, जमीन जायदाद गिरवी रखी है। किसके पास गिरवी रखी है? किसके पास गिरवी रखी है? सुरक्षित कैसे होंगे बताओ? ये कंपनी है और ये ऋण पत्रधारी है जिनसे कंपनी ने क्या लिया है? ऋण। इन्होंने पैसा दिया कंपनी को, कंपनी अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखेगी, किसके पास रखेगी? कैसे सुरक्षित बोल दिया आपने? यस, यही समझाना चाह रहा हूं। आप कहें सर इनके पास रख दो, तो ये तो अनेक है, मेरे पास तो जमीन का टुकड़ा एक है, एक की वैल्यू 1 करोड़ है, और मैंने मान लो 20 जनों से 5-5 लाख रुपए ले लिए, 1 करोड़ हो गए, तो मैं 20 जनों को जमीन के कागज कैसे दूं? फाड़ फाड़ के दे दूं? भाई 100 के नोट के खुला करवाना है तो 2 तरीके हैं, उसका आधा आधा कर दो, 50 हजार 50 हजार ऐसे होते हैं क्या खुले? नहीं कर लो, आपके क्या है, मैं 2 टुकड़े कर दिए थे वो खुले हो गए, ऐसा थोड़ी होगा। तो जमीन के कागज तो एक ही है और ये तो अनेक है, और आप कह रहे हो सुरक्षित है कि जमीन वगैरह सब इनके पास गिरवी रखी है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बिचौला आता है, उस बिचौले का नाम क्या है? ऋण पत्रधारी का प्रन्यासी। ऋण पत्रधारी का प्रन्यासी इंग्लिश में बोलते हैं डिवेंचर ट्रस्टी। डिवेंचर होल्डर का क्या है? ये ट्रस्टी। बताओ कंपनी अपनी जमीन जायदाद के कागज किसके पास रखेगी? इसके पास रखेगी, और ये किसके लिए काम करेंगे? ऋण पत्रधारी के लिए। बताओ सुरक्षित हो गए कि नहीं हुए? बोलो समझ में आ गया क्या? ट्रस्टी, ऋण पत्रधारी के ट्रस्टी। देखो मैं आपको बताऊं, मेरी ससुर जी की बात बताता हूं। मेरे ससुर जी को अपनी बेटी की शादी को लेकर बड़ी टेंशन थी, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी है,
मतलब मैं उनका इकलौता ही जवाई हूं, मेरे को साली का सुख लिखा ही नहीं है। साली क्या होती है मुझे मालूम ही नहीं। मेरे बच्चे कहते हैं पापा ये मौसी क्या होती है, मैं कहा बेटा मुझे साली का सुख नहीं है, तेरे मौसी का सुख नहीं है, है ना। ऐसे लोग चिढ़ाते रहते हैं, मनीष चिढ़ाता कई बार, शादी साली जो है वो आधी घरवाली होती है, है ना। मैं कहा यार हमारे तो साली नहीं है कोई, क्या करें, अब नहीं है तो नहीं है। अब साहब एक ही तो बेटी, माँ बाप ये चाहते हैं कि भाई बेटी मेरी सुखी रहे। मेरे ससुर जी को सब बर्दाश्त था, उनको एक ऐसा लड़का चाहिए था जो पीता नहीं हो, मतलब जो पीने वाला नहीं हो। अब क्या साहब जब मेरा संबंध आया तो उनको हमारा परिवार वो पहले से जानते थे, सब कुछ जम गया था, पर मैं रहता था हॉस्टल में, तो उनके दिमाग में शक पैदा हो गया कि हॉस्टल वाले पिए नहीं, तो फिर को कहे कि हॉस्टल वाले हुए, ये तो पक्का पीता होगा, समझ रहे हो। तो साहब मेरे ससुर जी को टेंशन हुई, तो बीच में एक ट्रस्टी आया मेरी चाची, उन्होंने मेरे ससुर जी को गारंटी दे दी कि जिस दिन पी ले उस दिन मेरे पास आ जाना आप, ये नहीं पीता तो विश्वास हो गया ना। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं प्रन्यासी, प्रन्यास मतलब क्या होता है ट्रस्ट, तो जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए। कौन कर रहा है ट्रस्ट, कंपनी भी कर रही है और डिवेंचर होल्डर भी, इन दोनों का बिचौला है, तो ये समझ में आ गया ऋण पत्रधारी के प्रन्यासी। तो सभा की सूचना किस किस को दी जाती है, सदस्यों को भी और ऋण पत्रधारी के प्रन्यासी को भी। तो केग क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट पर टिप्पणी करेगा तथा यह आदेश देगा कि मेरी टिप्पणी इनके पास में पहुंचा दी जाए। बोलो समझ में आ गया। ये था धारा 143 की उपधारा 6 का वाक्य बी। अब आ जाओ धारा 143 की उपधारा 7। बच्चों धारा 143 की उपधारा 7 जो है बहुत ही सिंपल सी है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इसका नाम है टेस्ट ऑडिट, ये तीसरी ऑडिट लो साहब आप, टेस्ट ऑडिट, समझ गए, नमूना अंकेक्षण, नमूना अंकेक्षण या परीक्षण, नमूना अंकेक्षण, टेस्ट ऑडिट। हम इसको एक और नाम से जानते हैं कि साहब सैंपलिंग भी बोल सकते हो आप, पर एक्ट में क्या वर्ड यूज किया गया है, टेस्ट ऑडिट, तो टेस्ट ऑडिट ही ध्यान रखें। सरकारी कंपनी की, किसी भी सरकारी कंपनी की केग टेस्ट बेसिस पर, टेस्ट बेसिस मतलब नमूना तौर पर क्या करवा सकता है, टेस्ट ऑडिट करवा सकता है। सर ये कौन सी ऑडिट है, ये अलग ही ऑडिट है, ये सीएसए जो ऑडिट हुई वो अलग, सप्लीमेंट्री ऑडिट हुई वो अलग, और ये अपने आप में क्या है, अलग ही ऑडिट है, समझ में आ रहा है। और ये सिर्फ कंपनी एक्ट में नहीं लिखा हुआ, इसके बारे में केग एक्ट 1971 की सेक्शन 19A में भी बताया गया है कि केग इसके लिए अधिकृत है, बस इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना। तो अब आपसे पूछता हूं बताओ ये ऑडिट अनिवार्य है या इच्छिक है, किसके ऊपर निर्भर है, कब की जाती है, कोई टाइम नहीं है, कौन करेगा, जिसको केग नियुक्त कर दे, समझ में आ गया। तो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड है, ये केग के ऊपर, नहीं नहीं सीए का काम सिर्फ कंपनी एक्ट के तहत ऑडिट करना है जो वो कर चुका, ये सप्लीमेंट्री ऑडिट टेस्ट ऑडिट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीए करे, सीए को नियुक्त करे तो मना नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं है। ये बच्चा कह रहा है सर सीए की ऑडिट करने के बाद ही होगी ना टेस्ट ऑडिट, ये सप्लीमेंट्री ऑडिट थोड़ी है, ये तो टेस्ट बेसिस ऑडिट ही अलग ही ऑडिट है, और ये हो ये भी जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कुछ नहीं है। बोलो यहां तक समझ में आ गया। तो ये आपका चैप्टर सरकारी कंपनी का अंकेक्षण कंप्लीट हो गया, ये तीन सेक्शन रह गई थी मैंने आपको करा दिए, अब आप मुझे इनका जवाब देते रहे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं किसकी, सरकारी कंपनी के अंकेक्षण की। इस चैप्टर के ऊपर आपका तीसरा मॉक टेस्ट होगा, अपन ने एक मॉक टेस्ट ले लिया, किसका लिया था, कंपनी का लिया था, ठीक है।
अभी अगर किसी बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि साहब हमारे तो 20 ही क्वेश्चन सही हुए या हमारे तो 15 ही सही हुए, कोई कह रहा हमारे तो 5 ही सही हुए। अभी आपकी स्टार्टिंग फेज है। चलो आपसे पूछते हैं, ये बच्ची बताएगी, बेटा साइकिल चलानी आती है? पक्का बताना, झूठ नहीं बोल रहे। तो एक बात और पूछ रहा हूं, साइकिल चलाते हो आप, क्या साइकिल में नीचे की तरफ ध्यान रहता है कि पेडल पे? फिर कहाँ रहता है? सामने। अच्छा, आप गिर नहीं जाओ ऐसे बैलेंस का ध्यान रखना पड़ता है क्या आज आपको? ध्यान रखना पड़ता है? नहीं रखना पड़ता, नहीं रखना पड़ता आपको। आप तो मजे से चलाते हो, बल्कि मछली की जैसे कटोर मारते हो। यूं मारते नहीं मारते, हाथ छोड़ के चलाते हैं, मजे से हाथ छोड़ के और चलाते हैं, टायर को उछाल उछाल के चलाते हो। वो दिन याद करो जब आप साइकिल सीख रहे थे। मैं मेरी छोटी बहन को मैंने साइकिल सिखाई, तो वो इतनी बेवकूफ लड़की थी, मैं साइकिल सिखाता वो नीचे देखती रहती। अरे मैं एक मारता उसके, मन का सामने देख, नीचे क्या साइकिल। तो उसको सिखाया, फिर वो कभी इधर बैलेंस बनाती और कभी इधर बनाती, मैं उसको खींच खींच के बीच में लेके आता। ऐसे 5-4 दिन चला। 5-4 दिन के बाद में मैंने धोखे से उसको सीट को छोड़ दिया, वो अपने आप चला रही। वो बोलती भैया पकड़ के रखना। हाँ, मन का पकड़ के रखे, सीधे जाके नाली में गिरती थी, धड़ाम। अब गाँव में तो यही होती है साहब, कच्ची नालियां जाके गिरे, धड़ाम। बताओ होता नहीं होता? तो आप अभी उस फेज पे हो, धीरे धीरे आपको कुछ नहीं करना, बस जो हम पढ़ाएं उसको पढ़ते रहो, जो टेस्ट दें देते रहो। आपको अपने आप के प्रति ईमानदार रहना है बस, कि हमें मेहनत करनी है ईमानदारी से, बिना लोड लिए मस्त तरीके पढ़ाई करते रहो, तो आपका अपने आप ही काम हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि देखो सरकारी कंपनी में 2 क्वेश्चन आएंगे लेते के, एक केक के बारे में आएगा और एक अपॉइंटमेंट का आएगा। इसमें से 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं यहाँ करवा रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आपके टेस्ट में देंगे, और उसके बाद 10 मॉक टेस्ट लेंगे, वो अलग। इतनी तैयारी हो जाएगी आपकी, काफी है। चलो स्टार्ट हो जाओ, बताते जाओ, आप खुद ही आंसर देते जाओ। किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक है वह। समझ में आ गया कौन करता है सरकारी कंपनी की? के आ रही बेटा समझ में? क्लियर है ना? अब देखो कल ये बच्ची आई थी तो सहमी सहमी सी, डरी डरी सी थी, क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी, पहला दिन था, ससुराल में कैसे एडजस्ट होगी और इतने सारे देवर बैठे हैं, तो बेचारी सहमी हुई थी। आज थोड़ी सी कंफर्ट फील कर रही है कि हाँ भाई ठीक है, तो टाइम लगता है एडजस्ट होने में। दूसरी बात करते हैं, देखो सरकारी अंकेक्षण से तात्पर्य है। अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ, मनीष सर जो है पढ़ाते हैं, आराम से बोल लेते हैं ना, पर मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, बहुत शर्मीले हैं। ये क्लास में बोल सकता है। एक बार क्या हुआ साहब कि सीटी की अनाउंसमेंट हुई तो सारे बच्चे धरने पे जाके बैठ गए, और हमारा बेच चल रहा था, क्योंकि पहले तो वैकेंसी आ गई थी, डेट भी आ गई, बेच बन गए, बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी, और अचानक से सीटी का पंगा ले आए, तो बच्चे जाके धरने पे बैठ गए। वहां धरने पे साहब एक इनका बेरोजगार छात्र नेता है उपेन यादव, और वो सब कई लोग वहां पे पहुंच गए, कई हमारे जूनियर अकाउंटेंट के जो इधर उधर के टीचर थे वो पहुंच गए। तो बच्चों ने कहा सर देखो आप लोगों को चलना चाहिए। मैं यार हम लोग ये सब चीजों में बिलीव नहीं करते। बोले सर बच्चों में नेगेटिविटी जाएगी आपको लेकर के, हमारे गुरु जी तो हमारा साथ ही नहीं देते। तो मनीष ने कहा चल यार चले आते हैं। मैं कह यार मनीष ये अपनी बस की बात है नहीं, बोले चलते हैं धरने पे। वहां पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए तो बच्चों ने घेर लिया। बोले सर अब आप 2 शब्द बोलो। मनीष तो साइड में हो गया, मुझे माइक पकड़ा दिया कि तू बोल। समझ रहे हो ना? तो कई लोगों को होता है ऐसा, एजिटेशन रहती है, फिर एक बार बोलने लग जाते हैं ना तो एजिटेशन निकल जाती है। चलो इसका आंसर बताओ, सरकारी अंकेक्षण से तात्पर्य क्या है? ध्यान से पढ़ो सबको। सरकारी विभागों के खातों का अंकेक्षण, सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा कंपनी का अंकेक्षण, विधि के उपबंधों के अंतर्गत अंकेक्षण, सरकारी मान्यता प्राप्त ट्रस्टों का अंकेक्षण। अब देखो ये बड़ी अजीब सी बात है, समझ लो, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे सर सरकारी अंकेक्षण भी तो एक्ट के अकॉर्डिंग होती है,
बिल्कुल होती है। आपके सर जो सरकारी मान्यता प्राप्त ट्रस्ट हैं वो भी तो सरकारी है तो सारी यही, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर कोई आंसर देते हो तो इसका मतलब वही हो गया। तो अगर आपको इनमें से एक को सेलेक्ट ही करना है तो किसको करोगे सेलेक्ट? एक को, कि साहब ये सरकारी विभागों के खातों का क्या है अंकेक्षण। ये क्वेश्चन तो आप सबको ही आता होगा, सरकारी कंपनी से तात्पर्य क्या है? सरकारी कंपनी क्या होती है बताओ? जिसकी पेड अप कैपिटल का कम से कम 51%। तो अब आप देखो बी और सी को तो छोड़ देते हैं, सॉरी ए और बी को, तो ए और सी को तो छोड़ देते हैं, बच्चे क्या बी और डी। आप कहें सर बी में क्या गलती है? नहीं है गलती, बी में कोई गलती नहीं है। अगर 51% पूंजी किसके पास है? सरकार के पास, तो वो सरकारी है। लेकिन बी के कंपेयर में किसको देखोगे? डी को, तो वो ज्यादा बेटर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 4, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है? तो नियुक्ति से संबंधित प्रावधान धारा 139 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? 139। क्वेश्चन नंबर 5, एक सरकारी कंपनी का अंकेक्षक अधिकतम कितनी कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है? चाहे सरकारी कंपनी का और चाहे किसी का ही हो, एक अंकेक्षक कितनी ऑडिट कर सकता है? 20 कंपनियों की ऑडिट कर सकता है। बोलो समझ में आ गया? ये लो साहब, अभी अभी पढ़ा आपने 2 ही मिनट पहले, ध्यान से सुनो और बताओ इसके आंसर को। सरकारी कंपनी के निपुणता में औचित्य अंकेक्षण, जिसका दूसरा नाम क्या है? पूरक अंकेक्षण के अंतर्गत। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। संचालक मंडल के निर्णय की समीक्षा की जाती है। दूसरा, वित्तीय औचित्य के मान्य सिद्धांतों के पालन की जांच की जाती है। प्राधिकारियों के द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों की सीमा में ही कार्य किया गया है या नहीं किया गया की जांच की जाती है। और उपरोक्त सभी। नहीं बच्चों, इसमें ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आएगा? बी। आप क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक और ऑडिट कराई थी, औचित्य अंकेक्षण परफॉर्मेंस, और एक कराई थी प्रोप्राइटरी ऑडिट। और प्रोप्राइटरी ऑडिट में मैंने कहा था कि वित्तीय सिद्धांतों की पालना। इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्तीय औचित्य के मान्य सिद्धांतों की पालना। क्वेश्चन नंबर 7, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक का दायित्व कैसा हो सकता है? बताओ कैसा दायित्व हो सकता है? या पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दीवानी भी हो सकता है और आपराधिक भी। तो आंसर क्या आएगा? दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, सरकारी अंकेक्षण से आशय है किसकी ऑडिट? केंद्र सरकार के कार्य की, राज्य सरकार के कार्य की, और सी कह रहा है केंद्र और राज्य के विभागों तथा सरकार द्वारा संचालित अन्य संस्थानों की, और डी क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी। देखो वैसे तो इसका आंसर डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अगर मैंने सी दे रखा है तो डी कर लेना, उपरोक्त सभी, क्योंकि केंद्र सरकार के कार्यों की भी जांच करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया था और इसका आंसर क्या माना गया था? सी। सी क्यों है उसका कारण बताता हूं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ क्या पूछा? अंकेक्षण। ठीक है, ऑडिटर सारे कार्य की जांच नहीं करता, वो किसकी जांच पड़ताल करता है? हिसाब किताब की। तो इसलिए राइट आंसर उन्होंने इस बेस पे माना था, पर बाद में ये डिलीट हो गया था। ठीक है, तो आप सी भी कर सकते हो, डी भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक का पारिश्रमिक, बताओ ये धारा 142 पढ़ाई थी, पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता है? साधारण सभा के द्वारा। कौन करता है? सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, सरकारी कंपनी की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? धारा 245। नेक्स्ट, सरकारी अंकेक्षक रिपोर्ट किसको देता है? केक को। केक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। केक त्याग पत्र किसको देगा? वो भी लिखित में। केक का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट, सरकारी कंपनी में पूरक अंकेक्षण का आदेश कौन दे सकता है? केक द्वारा। नेक्स्ट, पूरक अंकेक्षण को और क्या नाम से जानते हैं अपन? निपुणता में औचित्य अंकेक्षण। नेक्स्ट, सरकारी कंपनी किसको कहते हैं? जिसके 51% शेयर या तो केंद्र सरकार के पास हो या राज्य सरकार के पास या दोनों के पास हो, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट,
सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति करनी हो तो कौन करेगा? सरकारी कंपनी में तो नियुक्ति करता ही कौन है, चाहे नियुक्ति और चाहे पुनर्नियुक्ति हो। तो आंसर क्या आएगा? कैग। सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की योग्यता क्या है? अब बच्चे इतने आसान से में भी गलती क्या करके आ जाएंगे? कैग। अरे कैग तो क्या करता है? नियुक्त करता है। ऑडिट तो कौन करेगा? सीए करेगा। अगर नाम क्या लिखा हुआ? सरकारी कंपनी। समझ में आ रहा है? तो राइट आंसर क्या इसका? सीए। पूरक अंकेक्षक की योग्यता क्या है? कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक के कर्तव्य कौन सी धारा में दिए गए हैं? कर्तव्य की धारा कौन सी है? धारा 143। नेक्स्ट, औचित्य अंकेक्षण में अंकेक्षक कार्य करता है। औचित्य अंकेक्षण में अंकेक्षक कार्य करता है। देखो और बताओ, प्रोप्राइटरी ऑडिट में ऑडिटर क्या करता है? कि जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर ध्यान देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्तीय योजनाओं की पर्याप्तता को देखना। सीएनडीजी द्वारा केक का कार्यकाल, सीएनडीजी एक्ट 1971 के द्वारा केक का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट, सरकारी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट वैधानिक अंकेक्षक किसको जमा कराता है? केक को। सरकारी अंकेक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सरकारी अंकेक्षण लेखा व अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, ये भी करते हैं क्योंकि अलग से क्या बना हुआ है? ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। राजकीय खाते से कोई भी पेमेंट करने से पहले राजकीय अधिकारी बिलों का प्रारंभिक परीक्षण करेगा। बिल्कुल, पैसा ऐसे थोड़ी कर दे दोगे आप, बिल वगैरह सब चेक करोगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सी, सरकारी कार्यालय में खर्चा करने वाला विभाग सप्लायर से माल प्राप्ति की मात्रा गुण सबको चेक करने के बाद में ही खर्चा करेगा। बताओ सही है कि नहीं है, क्योंकि सारी चीजें देखनी है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका एक टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हो गया, सरकारी कंपनी का अंकेक्षण। कल हमने एक टॉपिक शुरू कर दिया था, कौन सा? ऑडिट रिपोर्ट। आगे कंटिन्यू करा रहा हूं बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? बीसीसीआई मतलब क्या चीज है? अच्छा, देखो ये इसकी स्टेटस देखनी पड़ेगी। स्टेटस क्या है? मतलब बीसीसीआई है क्या? सरकारी विभाग है क्या? तो वो स्टेटस देखनी पड़ेगी, मुझे इसकी जानकारी है नहीं। मैं अगर मेरे को आप इसकी स्टेटस बता दो कि ये क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है या कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, एनजीओ है, क्या है ये, उस अकॉर्डिंग तो आंसर दिया जाएगा। नहीं आया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपको पहले ये मालूम हो कि बीसीसीआई है क्या। तो मुझे मालूम ही नहीं कि क्या है, तो मैं कैसे आंसर दूं? यहां तक समझ गए? अब देखो टॉपिक चल रहा है अपना ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में हमने कल एक टॉपिक शुरू कर दिया था कि दो प्रकार की रिपोर्ट होती है, एक तो क्लीन रिपोर्ट और एक मॉडिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट में ऑडिटर अपनी ओपिनियन कैसी देता है बताओ? क्लीन ओपिनियन। स्वच्छ प्रतिवेदन में, स्वच्छ प्रतिवेदन में ऑडिटर अपनी राय कैसी देता है? स्वच्छ राय प्रस्तुत करता है। समझ में आ रहा है? क्लीन रिपोर्ट में ऑडिटर अपनी ओपिनियन कैसे देगा? क्लीन ओपिनियन। और इसके मैंने आपको दो आधार बताए थे कि कोई भी ऑडिटर क्लीन ओपिनियन तभी दे सकता है जब ये दो बातें हों। पहली बात क्या बताई थी? कि वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण सारवान, महत्वपूर्ण या भौतिकता, मिथ्या वर्णन से क्या हो? मुक्त हो। मिथ्या वर्णन से मुक्त हो। वित्तीय विवरण जब तक मटेरियल में से स्टेटमेंट से जुड़े हुए रहेंगे तो हम सत्यम उचित कैसे कहेंगे? वहां तो गड़बड़ है, और जब तक गड़बड़ है तो हम कभी भी क्लीन ओपिनियन नहीं दे सकते। पर गड़बड़ अगर छोटी मोटी है तो, गड़बड़ अगर छोटी मोटी है तो इग्नोर कर दो।
गड़बड़ कैसी नहीं होनी चाहिए, महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। तो कल मैंने आपको ये दोनों शब्द समझा दिए थे, कौन कौन से, सारवान और मिथ्या वर्णन। सारवान की परिभाषा ऐसे 320 में बताई थी और मिथ्या वर्णन की परिभाषा ऐसे 450 में बताई थी। कल यहां तक हम पढ़ चुके थे कि आपके पास में दो आधार होने चाहिए। पहला आधार कि वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णन से क्या हो, मुक्त हो। और दूसरा आधार बताया था मैंने कि अंकेक्षक को पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हो, पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हो। देखो आप कहीं भी ऑडिट करने जाओगे आपको एविडेंस तो चाहिएंगे, और जितने एविडेंस चाहिए आपको वो मिल गए, और उन एविडेंस के आधार पे आपने ये देखा कि वित्तीय विवरण में किसी तरह की कोई महत्वपूर्ण गड़बड़ नहीं है। छोटी मोटी गड़बड़ है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर कर दो, छोटी मोटी अगर कोई गड़बड़ है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर कर दो। तो आप कैसी राय दोगे, क्लीन ओपिनियन। क्लीन ओपिनियन में वर्डिंग क्या यूज करोगे, कि इन माई ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, कि मेरी राय में वित्तीय विवरण कैसी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलो यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या, यहां तक क्लियर है बच्चों? जब भी ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट देगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कौन सा लगेगा, SS 700। कौन सा ऐसे लगेगा, SS 700। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। मैंने आपको बताया कि ऑडिटर क्लीन ओपिनियन तभी दे सकता है जब ये दो आधार हो। कल पहला आधार पूरा समझा दिया था कि वित्तीय विवरण में कोई महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन नहीं हो, बता दिया था सबको, पूछ ले ये बच्ची बताएगी। बेटा महत्वपूर्णता का अर्थ क्या बताया था, महत्वपूर्णता बोल दो, सार्वानता बोल दो, भौतिकता बोल दो, सारता बोल दो, इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल, बताओ। हाँ, कोई भी ऐसी बात जो उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को क्या करे, प्रभावित करे, जिससे आपका डिसीजन ही चेंज हो जाए, तो वो क्या माना जाएगा, महत्वपूर्ण। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके निर्णय को नहीं बदलती, आपके निर्णय को नहीं बदलती, भले ही वो है तो गड़बड़ी पर आपके निर्णय को नहीं बदलती, तो बताओ क्या करेंगे, इग्नोर करो। छोटी मोटी चीज है, इग्नोर करो, क्योंकि ऑडिट में छोटी मोटी गलती तो रहेंगी रहेंगी। अभी ऑडिटर को डिसाइड करना है कि उसका मटेरियल लेवल क्या है। महत्वपूर्णता का स्तर होता है एक, और वो तय किया जाता है, नहीं समझे, आप बताओ, तैरना आता आपको, नहीं आता, पानी में कूद जाएंगे आप? देखो डरपोक बच्ची, इसको तैरना नहीं आता, ये पानी में नहीं कूदेगी। मुझे भी नहीं आता तैरना, पर मैं आपके जैसे डरपोक नहीं हूं, मैं 4 फीट के स्विमिंग पूल में कूद के दिखाऊं, यू लो असर हो, हंसी क्यों आई सिकंदर? अच्छा अच्छा, सिकंदर कह रहा है सर आप 5.5 फीट के आदमी, 5.5 ही इतनी है बस, और बढ़ जाता पर शादी हो गई फिर वही आदमी की ग्रोथ वही रुक जाती है, समझ लो। तो 5.5 फीट का आदमी 4 फीट के स्विमिंग पूल में डूबेगा क्या, नहीं डूबेगा। ऐसा बेटा आपको लगता है, मेरी बीबी से पूछो कितनी बार बोल चुकी मुझे कि चुल्लू भर पानी में डूब जाऊ, लोग चुल्लू भर पानी में डूब जाते हैं, बताओ मुहावरा है नहीं है? और आप 4 फीट के स्विमिंग पूल में, मेरे नाना जी है ना, मालूम उनकी डेथ कैसी हुई थी, बासेड़े का दिन था, नानी ने पकड़ ली जिद, क्या ठंडे पानी से ही नहाना है, नाना जी ने कह रहे देवी ठंड के दिन है अभी, क्या ठंडे पानी से नहाएंगे, नहीं नहीं बासेड़े का दिन है, बासेड़ा जानते हो ना, ठंडा ठंडा रहता है उस दिन सारा ही, खाना भी ठंडा, सब ठंडा। तो नाना जी ने नल खोला, ठंडा पानी आया, सिसकी सी आई, इतने में तो गए ऊपर ही, अब बताओ कहां जरूरत है 4 फीट के स्विमिंग पूल की, लोग नल के नीचे नहाने से चले गए हैं। बात है कि आप कितनी जोखिम ले लेंगे,
महत्वपूर्णता की कोई डेफिनेशन नहीं होती, हर आदमी का अपना अपना स्तर है। मैं 4 फीट के स्विमिंग पूल में कूद सकता हूँ, आपको तैरना आता है? आपको किसी को नहीं आता क्या तैरना? अच्छा आप बताओ, आपको आता है तैरना? क्या आप 15 फीट के गहरे पानी में कूद जाओगे? हाँ स्वयं तो कुएं में कूद के नहाते, बताओ। लोग कुएं में कूद जाते हैं, हमको कुएं को देखते ही चक्कर आता है, और ये कुएं में कूद के नहाता है, क्या आपको डर नहीं लगता डूब जाएंगे आप? सर तैरना आता है ना। तो बात वो ये कि आपका जोखिम लेने का स्तर बढ़ गया, मेरा नहीं बढ़ा। तो महत्वपूर्णता की कोई परिभाषा नहीं है, हर व्यक्ति का अपना अपना क्या है स्तर है। तो महत्वपूर्ण क्या नहीं होने चाहिए? मिथ्या वर्णन नहीं होने चाहिए। अब हमें इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए बताओ? अंकेक्षण साक्ष्य। तो आज मैं आपको ये वाला टॉपिक कराने जा रहा हूं जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किसमें दिया गया है 500 में, कि अंकेक्षण साक्ष्य क्या होते हैं, ऑडिट एविडेंस किसको कहते हैं, अंकेक्षण साक्ष्य क्या होते हैं। ये आपके एक चैप्टर कराऊंगा जो बहुत बड़ा चैप्टर है ऑडिट में, वहां पे दोबारा पढ़ाऊंगा आपको ये, अभी थोड़ा बहुत बेसिक करवा रहा हूं। ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं बताओ, किसको कहते हैं अपन अंकेक्षण साक्ष्य? आप बताओ जनाब, आपके हिसाब से क्या होते हैं अंकेक्षण साक्ष्य? कागज, वित्तीय विवरण की कॉपी, लिखा पढ़ी, बाउचर वगैरह। आप सब जो ये बातें बोल रहे हो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि लिखित होते हैं, क्या मौखिक हो सकते हैं? तो फिर होते क्या हैं साक्ष्य? तो सुनो क्या होते हैं साक्ष्य। कोई भी ऐसी सूचना, कोई भी ऐसी सूचना जो अंकेक्षक की, जो अंकेक्षक की राय का आधार हो, कोई भी ऐसी सूचना जो अंकेक्षक की राय का क्या हो, आधार हो, जिस बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन जो है, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है, एविडेंस है। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रहे कि सब? जिस आधार पे आपने अपनी राय कायम कर ली वो आपके लिए क्या है, साक्ष्य है। और ये साक्ष्य लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और आंखों देखा भी हो सकता है। आप में बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा हो सर मौखिक साक्ष्य, मौखिक कैसे हो सकता है? चलो इनसे बात करते हैं, शादीशुदा हैं। आपकी जब शादी हुई थी तो आपके जो ससुर जी देखने आए थे आप, वो पहले ही होगी, ऐसे कैसे होती है? अच्छा मतलब कोई जान पहचान कुछ नहीं करी, कोई नहीं, पर सिकंदर की ऐसे नहीं होगी। सिकंदर के बारे में इसके ससुर जी पूछने आएंगे, पूछताछ करेंगे कि कौन है क्या करता है, इंक्वायरी, क्या कहते हैं उसको अपन, इंक्वायरी। बताओ इंक्वायरी लिखित होगी कि मौखिक? और क्या इंक्वायरी से जो उत्तर प्राप्त होता है वो साक्ष्य है? बिल्कुल है, साक्ष्य तो है, सूचना तो मिल ही रही है ना, समझे कि नहीं समझे? वो अलग बात है कि वो कितनी विश्वसनीय है, वो एक अलग मैटर हो गया कि वो सूचना विश्वसनीय है या नहीं है, पर सूचना तो है, और हम उसके आधार पे क्या करते हैं, राय व्यक्त कर देते हैं। समझ में आ रहा है? कई बार क्या होता है हम लोग गलत समझ जाते हैं, जैसे मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, मैं जब छोटा था तब तक एक दोहे का अर्थ गलत समझता था, मैं जब बड़ा हुआ था मुझे मालूम चला कि मैं तो गलत समझता रहा हूँ। एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मालूम इसका अर्थ क्या समझता था कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, हमें किसके पैर पड़ना चाहिए? तो मैं इसका अर्थ समझता था कि बलिहारी गुरु आपने, हे गुरुदेव आपने गोविंद को बता दिया भाई गोविंद के पैर पड़ो, जबकि इसका अर्थ क्या था, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए,
मतलब स्वयं गोविंद ने कहा कि पहले गुरु के पैर पड़ो, अर्थ का अनर्थ कर दिया मैंने तो, और यही चीज मैंने आगे समझा भी थी, और आगे से बढ़ते बढ़ते कहीं बढ़ गई, और ऐसी बढ़ गई कि इधर से आलू डालूंगा और इधर से सोना निकलेगा। नहीं समझे? ये मैं आपको कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में कराऊंगा, बीओ में। इसको फिल्टरिंग कहते हैं, छनन, सूचना का तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या कहते हैं? छनन कहते हैं। तो बताओ मैं क्या कह रहा हूं, सूचना विश्वसनीय है या नहीं है वो अलग बात है, पर सूचना तो है। तो ये मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। आपके पास में स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक का क्या करोगे? फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन। और भौतिक सत्यापन कैसे करोगे? आंखों देखा कि कितना स्टॉक पड़ा है दिखाओ। तो आंखों देखा भी साक्ष्य है, कानों सुना भी साक्ष्य है, और लिखा हुआ भी है। वो अलग बात है कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन सा है? लिखित, क्योंकि आंखों देखा और कानों सुना गलत हो सकता है। बात समझ में आई? पर साक्ष्य तो है, तो ऑडिट एविडेंस समझ में आ गया, क्लियर है? क्या हमें एविडेंस चाहिए? क्या हमको एविडेंस चाहिए? क्या हम बिना एविडेंस के राय दे देंगे? सिंपल सी बात है, जब तक साक्षी नहीं आएंगे तो राय कैसे देंगे? हमें एविडेंस चाहिए या नहीं चाहिए? कैसे मिलेंगे साक्ष्य? कैसे मिलेंगे? मैनेजमेंट से मांग ले, मांगने से तो मौत ही नहीं मिलती, साक्ष्य कहां से मिलेंगे बताओ? कैसे मिलेंगे? नहीं मालूम? चलो समझाते हैं आपको। आप बताएं जनाब, पनीर चिले खाए आपने? वैसे नहीं खाए जैसे मैंने खाए, क्योंकि इस दुनिया में पनीर चिले अगर कोई सबसे टेस्टी बनाता है तो वो मेरी वाइफ बनाती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूर दूर तक इस दुनिया में उसके मुकाबले का पनीर चिल्ला कोई नहीं बना सकता। अब देखो बच्चे बोल रहे हैं, सर बुलाओ कभी खिलाओ। अरे मैं तो खुद भरोसे में रहता हूं, मैंने ये कहा है कि वो बहुत बढ़िया बनाती है, पर कब बनाती है वो उसकी इच्छा है, मेरे कहने पे तो बिल्कुल ही नहीं बनाई। अच्छा मुझे आज पनीर चिल्ले खाने हैं, आप शादीशुदा हैं बताएं क्या करूं कि मुझे पनीर? अच्छा मेरी वाइफ के हाथ की खाने हैं, क्या करूं? देखो ये जो अनुभवहीन व्यक्ति हैं वो ना बोले हैं, ये कह रहे हैं सर तारीफ कर दो। अरे तारीफ शादी से पहले तक ठीक रहती है, शादी के बाद की तारीफ बहुत डेंजरियस होती है। सब समझती है मेरी वाइफ कि मक्खन लगा रहे बिना मतलब में, हम भी कम खिलाड़ी थोड़ी है। पनीर चिल्ले तो मैं खाऊंगा और उसके हाथ के खाऊंगा, तो क्या किया मैंने? मैंने मेरे ससुर जी को फोन किया, मैंने कहा पापा आज डिनर आपका हमारे घर है, आपके लिए स्पेशल डिश बनेगी पनीर चिल्ले, आप जरूर आना। ससुर जी तो तैयार ही बैठे थे, बोला बेटा आ जाऊंगा। मैंने कहा एक छोटा सा काम है मेरा, वो जरूर कर दें आप। बोला हाँ बोलना बेटा, क्या काम है बताओ। मैंने कहा आप अपनी बेटी को एक बार फोन कर देना कि आज पनीर चिल्ले खाने का मन है मेरा और मैं घर आ रहा हूँ। बोला इतनी सी बात है कि अभी कह देते हैं? मेरे ससुर जी ने फोन कर दिया मेरी बीवी को कि बेटा मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ शाम को, तो पनीर चिल्ले खाने का मन है। बोला हाँ पापा आ जाना, क्योंकि ये तो पापा की परी होती है, पापा की बात तो मानेंगी मानेंगी। तो मेरे ससुर जी आए घर पे, पनीर चिल्ले बने हुए तैयार, और जब चार बन रहे थे तो पांच बन जाएंगे, ये गरीब भी खा लेगा, इसको भी एक दे देंगे। बताओ मिले कि नहीं मिले? अपने आप मिले क्या? हथकंडे अपनाने पड़े, मेथड अपनाना पड़ा। तो ये जो मेथड है ना, जो आपको साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाने पड़ते हैं, इसको अपन कहते हैं अंकेक्षण प्रविधि। क्या कहते हैं? अंकेक्षण प्रविधि, ऑडिट, ऑडिट प्रोसीजर। तो बताओ ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है? ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है? साक्ष्यों को प्राप्त करने की विधि, साक्ष्यों को प्राप्त करने की विधि। मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इज कॉल्ड ऑडिट प्रोसीजर। मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इज कॉल्ड ऑडिट प्रोसीजर। साक्ष्यों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है बताओ?
अंकेक्षण प्रविधि कहलाती। मैं नेट पे पढ़ रहा था कि आपको कैसे मालूम चले कि आपकी बीबी आपसे नाराज है, तो गूगल जुगल की बहुत हेल्प करता है कि आपको कैसे मालूम चले। तो उसमें कई फॉर्मूले दिए हुए थे कि अगर आपकी बीबी आपसे बात करना बंद कर दे या आप पे बिना मतलब में गुस्सा करे, तो ये कुछ इशारे हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं जो हम काम में लेते हैं किसको प्राप्त करने के लिए। तो सर वो कितने मेथड हैं ये मैं आपको अलग चैप्टर में कराऊंगा। कितने मेथड कराऊंगा? आठ। आठ मेथड कराऊंगा जो साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। साक्ष्य समझ में आ गया? अब बताओ ऑडिटर को साक्ष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने चाहिए, कितने साक्ष्य चाहिए? तो मैंने इसके लिए दो शब्द यूज किए, पर्याप्त एवं उचित। पर्याप्त को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? सफिशियंट, सफिशियंट। और उचित को क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट। पर्याप्त और उचित। पर्याप्तता का तात्पर्य क्या बताया था आपको? साक्ष्यों की मात्रा से, क्वांटिटी, कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। पर्याप्तता किसको रेफर करती है? साक्ष्यों की मात्रा को। और उचितता, अप्रोप्रिएटनेस किसको बताती है? साक्ष्यों की गुणवत्ता को, साक्ष्यों की गुणवत्ता को, क्वालिटी, क्वालिटी। समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, जब मैं सीए बना था तो कंपटीशन हमेशा से रहा है जीवन में, आपके भी रहेगा। हमारे टाइम में क्या था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सीए भी कर लिए, सीएस भी कर ली, सीएमए भी कर लिए, एलएलबी भी कर ली, डिग्रियों का भंडार इकट्ठा कर लिया। अब साहब हम उनके सामने जाते तो हम तो वैसे डिप्रेशन में आ जाते, फिर यार इसके तो पास तो पांच पांच डिग्री, हमारे पास तो एक ही है, समझ लो। लेकिन बच्चों ऐसी डिग्रियों का करोगे क्या? काम में आनी है तो एक ही बहुत है, काम में आनी है तो एक ही बहुत है, उसको ढंग से काम में ले लो, नहीं तो पांच बेकार, नहीं तो पांच ही बेकार है। तो कहने का मतलब ये कि हमें मात्रा भी देखनी है तो गुणवत्ता भी देखनी है। केवल मात्रा से काम नहीं चलेगा, गधों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। और केवल गुणवत्ता से काम नहीं चलता, मात्रा भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए और गुणवत्ता भी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कितनी मात्रा चाहिए और किसको गुणवान कहेंगे, किसको गुणवान कहेंगे? आप बताएं, क्या आप अंडे खाते हैं? खाते हैं। और मेरे घर पे अगर अंडा आ गया ना तो मैं घर के बाहर मिलूंगा। मेरी बेटी बहुत कमजोर सी है, पतली सी है, तो कई बार चिंता हो जाती है कि बड़ी होती जा रही है अभी भी पतली की पतली है, कैसे इसकी शादी करेंगे, क्या होगा? तो डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने कहा भाई इसको अंडे खिलाओ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। खुद गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि अंडे में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है तो अंडे खाने चाहिए, लेकिन हम तो नहीं खा सकते, हम तो नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा भाई पनीर खा लो, सोयाबीन खा लो। मैंने कहा ये खा लेंगे। बात समझ रहे हो? अंडों में मुझे कोई क्वालिटी नजर नहीं आ रही, पर ये छोड़ता नहीं, मुझे कोई गुणवत्ता नजर नहीं आ रही और इसको अंडों के अलावा कोई दूसरा गुण ही दिख नहीं रहा, समझो। तो सब गुणवत्ता किसको कहेंगे, गुणवत्ता किसको कहेंगे बताओ? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका पूरा इंडिया जानता है जिनको, जैसे खान सर, दिव्य कीर्ति सर, जानते ना। देखो उनमें बहुत गुण है, बहुत गुणी आदमी है, पर मेरे क्या काम की, मेरे कोई काम की नहीं है ना। तो जो मेरे ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है वो मेरे लिए गुणवान नहीं है, जो मेरे ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए क्या है? गुणवान है। तो गुणवत्ता कैसे निर्धारित होती है, मात्रा कैसे निर्धारित होती है, ये सब चीजों को डिसाइड करने वाले बहुत सारे क्या है, फैक्टर्स हैं, बहुत सारे तत्व हैं जो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया? हमें तो सिर्फ ये समझना था कि ऑडिटर को क्लीन रिपोर्ट देनी है, जिसमें कैसी ओपिनियन देनी है, क्लीन। और क्लीन ओपिनियन कब देगा? जब ये दो आधार होंगे, क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से क्या हो, मुक्त हो, और अंकेक्षक पर्याप्त और उचित साक्ष्य प्राप्त करने में क्या रहे, सक्षम रहे।
बोलो समझ में आ गया। अगर इन दोनों में से कुछ भी गड़बड़े तो ऑडिटर क्लीन ओपिनियन नहीं देगा, फिर उसकी ओपिनियन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ओपिनियन चेंज होगी तो रिपोर्ट भी क्या हो जाएगी, चेंज। क्लियर है? चलिए बाकी का अपन कल पढ़ेंगे।